खुद के करने से चलेगा। कई लोगों को मैं देखता हूं पांच पांच साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन समझदार बुद्धिजीवी लोगों को यह पता नहीं चला है कि खुद के करने से चलेगा। बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा सर, ये नहीं कर रहा, अपलायंस साथ नहीं दे रहा, ऐसे नहीं हो रहा सर, बीवी संग नहीं दे। अरे कोई कुछ नहीं करेगा भाई, कोई भी कुछ नहीं करेगा। जो कुछ भी करना है वो किसको करना है? खुद को। समझ आ रहा है कि नहीं? अपने भरोसे चलेगा काम। एक ट्रक के पीछे मैं जा रहा था एक बार अपनी ओडी से, वहां लिखा था लटक मत पटक दूंगी। क्या लिखा था? क्या लिखा था? अपलाइन के भरोसे लटको मत, कंपनी के भरोसे लटको मत, ये फलाना काम नहीं हो रहा। अरे काय बात का लटकना, लटकेगा तो पटकेगा। समझ आ रहा है? लटके राम लटके रहे, बाद में लोग बोलेंगे आपके बारे में। तो लटके राम नहीं बनना है, खुद की जिम्मेदारी, अपने हाथों पर भरोसा करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। प्लान देना, प्लान देना कितनी बड़ी बात है यार, 10 दिन में प्लान देना सीख गया आदमी, 11वें दिन खुद दो। फॉलोअप करना कितनी बड़ी बात है, 1 महीना लेके सीख जाओ, लेकिन 31वें दिन खुद करो। समझ आ रहा कि नहीं? कुछ भी काम, यहां से प्लान लेना, स्टेज से प्लान लेना। अगर मैं मानता हूं 3 महीने की बात है, तो फिर 3 महीने 1 दिन बाद खुद करना, फिर किसी के भरोसे नहीं रहना, नहीं तो वो ट्रक पे रखी हुई बात साबित हो जाएगी, लटक मत पटक दूंगी। समझ आ रहा कि नहीं? खुद के भरोसे पर। ये मरम मेरे को पहले पता चल गया, और भाई ये काम खुद करना पड़ेगा। तो मैं 1 बार 2 बार 4 बार सुनहरी जी को फॉलोअप पे ले गया। मैं देख रहा हूं कि हर जगह जहां भी जा रहे हैं साहब, वही बातें कर रहे हैं, जहां से उठा रहे हैं वहीं गिरा रहे हैं, जहां से उठा रहे हैं वहीं गिरा रहे हैं, जहां से चालू कर रहे हैं और दूसरी जगह भी वहीं से चालू कर रहे हैं, और जहां पहली जगह अंत कर रहे हैं वहां दूसरी जगह भी अंत कर रहे हैं। मैं बाहर निकल के 4 फॉलोअप के बाद उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये सब एक सा ही है क्या, ऐसा ही करना पड़ेगा क्या? बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा सर हमारी तुम्हारी राम राम, अब मैंने कहा मैं कर लूंगा सर, यही करना पड़ता है तो फिर क्या है, आसान है, आसान है। समझ आ रहा है कि नहीं? आसान है कि नहीं? लेकिन कई लोग इस बिजनेस में आने के बाद बोलते हैं 2 साल हो गए सर मेरे को काम करते हुए। मैंने कहा तेरी शिकायत क्या है बता, कि सर मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि अपलाइन फॉलोअप पे नहीं जाता, और मेरे को हंसी आती है। मैंने कहा यार बताओ यार, लो यार हद हो गई बेवकूफी की यार, 2 साल बाद कौन जाए फॉलोअप पे? अपलाइन। ये लल्लू बना, तो डोंट बी अ लल्लू, बी अ लीडर, बी अ लीडर, डोंट बी अ लल्लू। किसकी पत्नी को पसंद होगा कि हमारा पति पूरे गांव का सबसे बढ़िया लल्लू हो? जितनी मैडम लोग मां हैं उनसे पूछते हैं कि आपका बेटा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लल्लू का अवार्ड लेके आए, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा लगेगा? चलो बाप लोगों से पूछते हैं, कितने लोग पिता हैं, लाइफ में पिता हैं, आपको कैसा लगेगा कि आपका बेटा दुनिया का महान सबसे बड़ा लल्लू हो? तो भाई तुमको बेटे में लल्लू नहीं देखना, पति में लल्लू नहीं देखना, सही है, फादर में लल्लू नहीं देखना, बच्चे में लल्लू नहीं देखना, और खुद लल्लू बने हैं। तो डोंट बी अ लल्लू, बी अ लीडर। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes! कितने लोग आज के बाद लल्लू नहीं बनेंगे? Yes! बनेंगे? No! कई लोग मैडम लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे, बोल रही हम तो बन जाएंगे लल्लू। आपको भी क्या शेर नहीं बन रहा है? क्या बनना है? शेर नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes! तो डोंट बी अ लल्लू, क्या बनना है आपको? लीडर। ये बात मेरे को शुरुआत में इस बिजनेस में समझ आ गई। मैंने कहा भाई साहब देवेंद्र शर्मा जी, लल्लू बनने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी से क्या बन जाओ? लीडर बन जाओ, नहीं तो दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। तो मैंने सब काम इस बिजनेस में जो करने थे जल्दी जल्दी सीख लिए। क्या करना होता है? एक सबसे पहले प्लान दिखानी होती है, सही है। प्लान के बारे में एक डायलॉग है, आप कहो तो बताऊं। एक ही आसान काम है, बस प्रोस्पेक्ट है खोजना, और जल्दी से दिखा दो योजना। प्रोस्पेक्ट है खोजना, क्या है? मैं सोचा, मैंने कहा यार लखनऊ जा रहा हूं, शेर लिख लेता हूं थोड़े। तो क्या है? प्रोस्पेक्ट है खोजना, और जल्दी से दिखा दो योजना। योजना
डोंट बी अ लल्लू, डोंट बी अ लल्लू, समझ आ रहा कि नहीं? लल्लू कब तक बने रहना भाई? ये कौन सा अंतरिक्ष विज्ञान है भाई साहब? प्लान दिखाना।